नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। विवादों में घिरने के बाद या ये कहे कि इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान भारी पड़ गया। बता दें कि लंबे समय से कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान चरम पर है। देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने सभी केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों से सभी आधिकारिक कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आग्रह किया है। बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार सिंह ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ ही सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है। कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन ने वीरवार को अपने 9 महीने पूरे कर लिए हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन कराया है। इस मौके पर किसान नेताओं ने एक सुर में कहा कि बहरी सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन को और तेज करना होगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के हनुमान और चहेते आकाश यादव ने आज लोजपा का दामन थाम लिया है। इसको लेकर दिल्ली लोजपा कार्यालय में शाम 4 बजे कार्यक्रम रखा गया था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव को करारा झटका लगा है। एनआरआई को आधार कार्ड हासिल करने के लिए पहले 182 दिनों या 6 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन यूआईडीएआई ने अब इस शर्त को ढीला कर दिया है। एनआरआई भारत लौटने पर वैध भारतीय पासपोर्ट के जरिए आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। केरल में इन दिनों कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है, ऐसे में केरल से बिहार आने वाले यात्रियों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल केरल से बिहार आ रहे यात्रियों की रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जांच की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि हमारी पार्टी इस बार 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद राज्य के मुसलमानों को सशक्त बनाने का है और यूपी में भाजपा को हराने का है। जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने जातीय जनगणना को लेकर आज ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2,360 जातियां केंद्रीय सूची में हैं, जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन इनमें से अनुमानित 1,000 जातियों को आज तक लाभ नहीं मिला है। जदयू प्रवक्ता ने इनकी सामाजिक और आर्थिक हालात को लेकर भी सवाल किया। देश में बीते 2 दिनों में कोरोना के 40,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर मामले केरल और महाराष्ट्र से हैं। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा गया है। देश में इस महीने के मध्य में कोरोना के मामले 5 महीने के सबसे निचले स्तर 25,156 तक पहुँच गए थे। अगस्त महीने में मॉनसून जबरदस्त रूप से सक्रिय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के रिकॉर्ड पर गौर करें तो 1 से 26 अगस्त तक 492.3 एमएम बारिश बिहार में हुई है। यह सामान्य से 227.62 एमएम अधिक है। अगस्त में 20 दिन बारिश हुई है, इसमें पूर्व वर्ष 2006 में 22 दिन बारिश हुई थी। देश में अब पहली बार अगले साल से समुद्र कार के ऊपर भी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। देश का यह पहला मेट्रो कॉरिडोर मुंबई के करीब ठाणे में समुद्र के ऊपर तैयार किया जा रहा है। इस मेट्रो के शुरू हो जाने के बाद ठाणे को भिवंडी के लोगों को बहुत सहूलियत होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय एयरबैग की अनिवार्यता की डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर के बाद करने जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले साल अधिसूचना जारी कर 31 मार्च 2021 के बाद बनने वाले वाहनों में आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से तल्ख तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें फैसला लेने से रोका गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया को सलाह दिया है कि वो अब अपनी दूसरी पारी में स्कोर बोर्ड को बिल्कुल भूलकर बल्लेबाजी करें। वॉन ने कहा है कि टीम इंडिया का हारना यहां तय है और उसके बल्लेबाजों को अब सिर्फ यहां लंबी से लंबी पारी खेलने पर अपना फोकस बनाना चाहिए। आज डॉन ब्रैडमैन का जन्मदिन है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी हार का रिकॉर्ड आज भी ऑस्ट्रेलिया के नाम पर दर्ज है। 93 साल पहले ब्रिस्बेन में खेले गए दोनों टीमों के बीच मुकाबले में इंग्लैंड ने मेजबान कंगारू टीम को 675 रनों के विशाल अंतर से हराया था। सबसे खास बात यह है कि क्रिकेट की दुनिया के महारत्न बल्लेबाज सर जॉन ब्रैडमैन के डेब्यू मैच में ऑस्ट्रेलिया को यह करारी हार मिली थी। कोरोना के जारी माहौल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों को इस महीने 2 करोड़ अतिरिक्त कोविड-19 टीकों की खुराक उपलब्ध कराने की बात कही और उनसे शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को टीका लगाने को कहा है।
कई सैटेलाइट के अध्ययनों से यह पता चला है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के लगातार पिघलने से ओशन में पानी के स्तर में बड़े बदलाव को देखने को मिल रहे हैं। इस कारण धरती के ऊपरी सतह पर पर्पटी विकृत हो गई है। धरती के ऊपरी भाग में असमानता नजर आ रही है, जिससे खतरा बढ़ते जा रहा है। भारतीय रेलवे 1 सितंबर से पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का संचालन फिर से शुरू कर रहा है। इस बार इस ट्रेन में पहले की तुलना में कई और बेहतरीन सुविधाएं दी जाएंगी। अब यह ट्रेन तेजस ट्रेन के डिब्बों के साथ चलेगी, इस वजह से यात्री कई बेहतरीन सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे। देश के कई शहरों में कल शनिवार से लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। 28 अगस्त से 31 अगस्त तक कई शहरों में बैंक का कामकाज नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इस महीने के अंतिम हफ्ते 28 अगस्त से 31 अगस्त तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज और एटीएम सर्विसेज पूरी तरीके से चालू रहेंगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत अपने नागरिकों को तेजी से वतन वापस लाने में लगा हुआ है। अब तक बड़ी संख्या में नागरिकों को भारत लाया भी जा चुका है, लेकिन अब भी कई लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिन्होंने सरकार से वापस आने के लिए गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान में अभी 140 अफगान सिख और हिंदू फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नोएडा के प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास अगले महीने होगा। शिलान्यास के बाद इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट पर देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। बारिश की वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी की तरफ से गुरुवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक 30 अगस्त तक कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास के क्षेत्रों में 29 अगस्त से बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस लाइफ साइंसेज की तरफ से तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर की तरफ से क्लिनिकल ट्रायल की हरी झंडी मिल गई है। यह 2 डोज वाली वैक्सीन है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को सीने में तेज दर्द के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुद अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपनी सेहत की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ और जल्द ही वापस आऊंगा। आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मेरे साथ हमेशा बना रहे। अफगान अभिनेत्री मलीशा हिना खान ने अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से उनके परिवार के 4 सदस्यों की जान लेने की जानकारी दी गई है। हालांकि ऐसे माहौल में उन्होंने भारत देश में रहने पर खुशी जताई है, साथ ही पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों को देखें तो 44,658 मामले दर्ज किए गए हैं और 496 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले दिन 46,164 कोरोना मामले आए थे। वहीं 24 घंटे में 32,988 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 11,174 एक्टिव केस की बढ़ोतरी हुई है। अगर आपका सेविंग अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक के साथ है तो आपको झटका लगने वाला है, क्योंकि अब आपको अपने सेविंग अकाउंट पर कम ब्याज मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 सितंबर से सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों को कम करने का फैसला लिया है। पीएनबी ने बचत खाते पर ब्याज दरें सालाना 3% से घटाकर 2.90% करने का फैसला लिया है। देश की राजधानी दिल्ली सीसीटीवी कैमरे के मामले में दुनिया के कई बड़े शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर काबिज हो गई है। दिल्ली में प्रति वर्ग मील में 1826 कैमरे लगाए गए हैं। ये बात फोर्ब्स इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वे में पता लगी है। इस सर्वे में न्यूयॉर्क, शंघाई और लंदन समेत 20 शहर शामिल थे। सर्वे के मुताबिक इस लिस्ट में भारत के 3 शहर को जगह मिली है। बिग बॉस के सीजन में करण पर बायस्ड होने का आरोप काफी लग रहा है और अब शो की एक्स कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने भी करण को सलमान खान से बदतर होस्ट बता दिया है। उन्होंने एक लीडिंग टेब्लॉइड को दिए इंटरव्यू में कहा है कि करण जौहर शो में हिंसा और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर यह शो यूके में होता तो इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर 11 सितंबर 2021 से जेईई एडवांस 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर देगा। जो उम्मीदवार ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो जेईई एडवांस की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजकुमार, जयप्रकाश, मोहम्मद, एलेक्स, मंटू कुमार, राहुल चौहान, प्रीति रॉय, जीतन कुमार, गजेंद्र सिंह, राजबली कुमार, गगन यादव, गुड्डू कुमार, रविकांत 1023, दिवेश कुमार, सुरेश रॉय, उमेश यादव, विभीषण कुमार, आयुष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका
नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केरल और महाराष्ट्र में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केरल में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।